आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो टाइल्स होती है 2x2 की, वो कितनी एरिया कवर करती है। अभी जो मेरे पास टाइल्स है वो है 2x2 की टाइल्स है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 फीट से थोड़ी कम है, लेकिन इसको कंसीडर करेंगे कि ये 2 फीट बाई 2 फीट की है, ठीक है। तो अब ये एक टाइल्स आपकी कितना स्क्वायर फिट एरिया कवर कर लेगी। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो लेंथ है ये है 2 फीट, और जो ये लेंथ है ये है आपकी 2 फिट। तो ये भी 2 फिट है, तो अब कितना हो गया, 2 × 2 कर दो। टेबल तो सबको याद होगा, 2 × 2 = 4, 4 क्या स्क्वायर फिट, 4 स्क्वायर फिट एक टाइल्स एरिया आपका कवर कर लेगी। और वहीं अगर आपको मान लेते हैं किसी रूम का जो एरिया है वो 120 स्क्वायर फिट है, तो आप एक काम करो, 4 से, आप कितना भी स्क्वायर फीट हो आप अपना रूम का एरिया नाप लो, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 3 = 12, यानी 30 टाइल्स आपकी लग जाएगी 120 स्क्वायर फीट एरिया में टाइल्स लगाने के लिए 2x2 की। तो ये एरिया आप अपने हिसाब से अपने रूम का आप एरिया चेक कर सकते हो। और ये जो 30 टाइल्स आई है इसमें हम थोड़ा वेस्ट भी इंक्लूड कर लेंगे, जैसे एक बॉक्स हम एक्स्ट्रा मंगा लेंगे कि कहीं कॉर्नर्स पे उसकी कटिंग होती है, कुछ टाइल्स है, कुछ टाइल्स वेस्ट भी हो जाएंगी, तो ये सब चीज़ें भी उसमें कंसीडर करके चलते हैं। तो और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं टाइल्स से रिलेटेड, मार्बल से रिलेटेड, कि टाइल्स को कैसे लगाते हैं, कैसे लगाना चाहिए, कौन सी टाइल्स लगवाएं, कहाँ पर सिरेमिक टाइल्स लगवाएं, कहाँ विट्रीफाइड टाइल्स लगवाएं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।